नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज जहां शादी विवाह के आयोजन को शान शौकत के प्रदर्शन का माध्यम माना जाता है, वहीं पर एक नवदंपति ने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए की। महतपुर के सदर परिवार के श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल के सुपुत्र सूर्यभान पटेल व चंबोर परिवार रसीलपुर के स्वर्गीय टीकाराम पटेल की सुपुत्री वंदना पटेल ने, जिन्होंने अपने विवाह उत्सव पर अव्यय न करते हुए अन्य स्वजातीय बंधु को प्रेरणा प्रस्तुत करते हुए विगत 2 माह से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बीच संपूर्ण जिले को सैनिटाइज कर रही हटा कुर्मी क्षत्रिय समाज की टीम, जो कभी सायलो केंद्र हिनोता में निरंतर किसान भाइयों को खिचड़ी वितरण का कार्य कर मानव सेवा में संलग्न है। सभी सदस्यों राजबहादुर पटेल, श्याम सुंदर पटेल, कन्हैयालाल पटेल, उदयभान पटेल, चौधरी आदित्य सिंह, रोहित लहरिया, नंद किशोर पटेल, हितेंद्र कुर्मी, जितेंद्र पटेल, राहुल पटेल, कुलदीप पटेल, दिनेश कुशमरिया एवं ब्रजेश पटेल को सम्मानित करते हुए संयुक्त रूप से 21,000 रुपये की राशि का चेक सहयोगार्थ भेंट किया। तत्संबंध में लक्ष्मी पटेल ने बताया कि विवाह लॉकडाउन के नियमों में संपन्न हुआ, जिससे हमारा अनावश्यक खर्च बचा है और अपने दोनों पुत्र उदयभान और सूर्यभान के द्वारा किए जा रहे मानव हितार्थ सेवा में सहयोग करके पुण्य लाभ अर्जित कर आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। इस अवसर पर टीम के मार्गदर्शक, शिल्पकार, प्रखर वक्ता, आकाशवाणी गायक और बुंदेली गायन में अलग स्थान बना चुके खिलान सिंह पटेल के साथ समाजसेवी संदीप पटेल की टीम के प्रोत्साहन हेतु की टीम भी प्रोत्साहन समाजसेवी संदीप पटेल भी टीम के प्रोत्साहन हेतु उपस्थित रहे। मैं लक्ष्मी प्रसाद पटेल महानपुर जिला दमोह से बोल रहा हूँ। अभी मेरे 23 मई को मेरे द्वितीय पुत्र की सूर्यभान की शादी रसीलपुर ग्राम में हुई थी। श्री माखनलाल जी पटेल रसीलपुर, और इस लॉकडाउन के अंदर का शादी होने के कारण हमारे लाखों रुपए का दोनों पक्षों का फिजूल खर्ची बच गई। अतः उसके इसमें कुर्मी क्षत्रिय समाज संगठन हटा के लिए हम लोगों ने 21,000 रुपया दान दिया है।